नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे वीए से रिलेटेड। जी हाँ भाई, वीए सरकार आपको पता है भाई, धीरे धीरे कुछ न कुछ हर बार नए नए अपडेट लेके आती रहती है कानून से रिलेटेड, क्योंकि वीए को भी पता है ना, वीए दुबई जिसको बोल सकते हैं कि ये चलती है विदेशों से। जी हाँ, विदेशी लोग वहाँ पे रहते हैं, पूरा फंड वगैरह पूरा सिस्टम विदेशी, आप सबको पता है, उन्हीं से वो पैसा कमाती है नो डाउट। तो वहाँ पे हर चीज़ में चीज़ उनको एक स्टिक रखना जरूरी है। अगर स्टिक नहीं रखेंगे तो भाई फिर वही है, लोगों का विश्वास डगमगा जाता है, उनको प्रॉब्लम होती है, तो लोग फिर नेगेटिविटी सोचना लग जाते हैं उस देश के प्रति। जी तो वीए सरकार ने 2022 में कुछ अपडेट दिए हैं कानून से रिलेटेड, और ये कानून से रिलेटेड मुझे लगता है कि आप अगर वीए में रहते हैं तो आप सबके ऊपर ये लागू हो सकते हैं। इस पे हम विस्तार पूर्वक बात करेंगे, साइबर अपराध के बारे में, फर्जी सोशल मीडिया, इसके रिलेटेड हम बात करेंगे, फर्जी अकाउंट बनाना, ऐड लगाना। जी हाँ, आजकल आप देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर ऐड लगाए जा रहे हैं विदेश, वो वहाँ पे जॉब मिल रहा है वो लग रहा है, तो ये गलत होता है। एक है भीख मांगना, वो भी ऑनलाइन, इसको इंडिया में चंदा बोल सकते हैं, इससे रिलेटेड भी हम बात करेंगे। चार चार पांच टॉपिक हैं, वीडियो पूरा देखिएगा, अच्छा लगे तो भाई लाइक शेयर करिएगा, चैनल जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो करके रखें ताकि हर रोज आपको विदेश से रिलेटेड नई नई अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। जी हाँ, देखिए जो 2012 में कुछ सोशल मीडिया से रिलेटेड कानून बने हुए थे, उन कानूनों में बदलाव किया गया है। अब बदलाव क्या किया गया, कहीं देखिए धीरे धीरे हर चीज एक बढ़ती जा रही है, तो जो चीज बढ़ेगी उसमें फिर साइड इफेक्ट भी आने स्टार्ट होंगे, जिसमें साइबर से रिलेटेड बात करें, साइबर कानून से रिलेटेड। जी हाँ, क्योंकि साइबर से रिलेटेड कानून बढ़ रहे हैं वीए में भी नो डाउट। जी हाँ, हर रोज देखने को सुनने को मिलता है सोशल मीडिया के माध्यम से, डिजिटली होता जा रहा है, आपको सब पता भाई, पूरा वर्ल्ड डिजिटली होता जा रहा है, तो डिजिटली में फिर ये भी जो लोग चोर बैठे हैं ना, वो अपनी सेंध लगाए बिना नहीं रहते। तो इस सब को रोकने के लिए इंटरनेट एक सही यूज के लिए होता है अगर इसको देखा जाए तो, लेकिन इसका कहीं ना कहीं लोग गलत इस्तेमाल कर लेते हैं। तो इसके खिलाफ में एक कानून बनाया कि दोषी व्यक्ति के खिलाफ, जो कोई भी आदमी कोई व्यक्ति अगर वीए में रहते हुए अपने मोबाइल से किसी भी प्रकार के सोशल मीडिया के माध्यम से फेक न्यूज फैलाता है, कॉन्टेंट बनाता है या फिर पब्लिश करता है, जी हाँ दोनों के ऊपर लागू होती है बात। जैसे मैं कोई न्यूज है, मैं किसी दूसरे के माध्यम से प्रचार करवा रहा हूं मेरी न्यूज का, अगर वो गलत है तो उसके खिलाफ में कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। जी हाँ, फेक न्यूज बनाना, उसको शेयर करना, बनाने वाला भी और जो अपने कंटेंट आईडी लेके और उसको पब्लिश कर रहा है उसके ऊपर, दोनों को ही अपराध माना गया है। दोनों के ऊपर अगर देखिए, इसका अपराध का मतलब क्या भाई, जैसे कोई एड लगवा रहे तो कल अगर वो ऐड गलत होंगे तो लोगों में भय का माहौल बनता है, डर लगता है उनको, अराजकता का माहौल बनता है देश के खिलाफ में, लोगों के जनता के खिलाफ में सोच नेगेटिविटी, इस तरह का माहौल क्रिएट होता है। इन सब को रोकने के लिए सरकार ने साफ साफ बोला कि फेक न्यूज़ बनाने वाला पब्लिश करने वाला दोनों को अगर गलती करते हैं तो, अगर जो बना रहा है उसको तो भाई सीधा सीधा 1 साल की सजा है, 1 लाख दुबई दराम का जुर्माना है, और जो लोग इसको अपने सोशल मीडिया के माध्यम से फैला रहे हैं उनके ऊपर 30,000 दुबई दराम प्लस उनको सजा का प्रावधान है, ये दोनों उसके ऊपर हो सकती है। तो आपको भी अगर आप सोशल मीडिया यूज लेते हैं तो भाई सावधान रखने की जरूरत है, कोई फर्जी न्यूज़ वगैरह ऐसे डालते हैं। अब महामारी में अगर मान लीजिए अभी कोरोना पेंडेमिक चल रहा है, आपने सबने पता ही है, इस महामारी में कोरोना से रिलेटेड ओमिक्रॉन से रिलेटेड अगर आप नेगेटिविटी फैलाते हैं वी सरकार वी जैसी कंट्री में, तो उनके खिलाफ में ये जुर्माना और सजा जस्ट डबल हो जाती है। तो आपको कोई भी ऐसी फेक न्यूज नहीं बनानी है कि आपके आपको कोई शिकायत कर दे फिर पुलिस आपको अरेस्ट कर ले तो आपको दिक्कत हो सकती है। जी क्योंकि सोशल मीडिया आजकल देखिए हर जगह न्यूज, जरूरी नहीं होता कि आजकल पेपर में ऐड आ रहे हैं, आजकल सब कुछ डिजिटलाइट है भाई। डिजिटलाइट में अगर आपके कोई ऐड लगवा रहे हैं या फिर आप ऐसा ऐड देखते हैं, अलग अलग तरीके के ऐड आते हैं भाई, जो गलत दो नंबर के माने जा सकते हैं गवर्नमेंट की नज़र में, कानून की नज़र में। जी हाँ, अगर वो सोशल मीडिया अपने मानदंडों को पूरा नहीं करता है, उनकी जो लाइबिलिटी है वो कंप्लीट नहीं किए बिना ऐड देते हैं, तो उनको भी भाई सजा 1 साल प्लस 30,000 दुबई जुर्माना साफ साफ बताया गया यहाँ पे लगेगा। हाँ, यहाँ पे एक कानून और बना दिया कि आप किसी के खिलाफ में शिकायत कर देते हैं तो उसको भी एक अधिकार दे दिया गया है सामने वाली पार्टी को, वो उसके खिलाफ में अगर कोई एक्शन लिया जा रहा है तो उसका वो और सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट बड़े कोर्ट में वो अपनी जो अपील है वो लगा सकता है कि मैं गलत नहीं हूं, वो उसको एविडेंस देने होंगे, ये एक उनके पास प्लस पॉइंट हो सकता है। मान लीजिए आपके खिलाफ में कोई फर्जी डॉक्यूमेंट या फिर कुछ ऐसा करके आपके खिलाफ में कोई मुकदमा दर्ज हो जाता है तो आपको भी एक अधिकार मिलना चाहिए ना कि उसको सफाई देने का अपने एविडेंस के माध्यम से कि मैं गलत नहीं हूं, तो ये एक यहां पे अधिकार दिया गया, अच्छी बात है। जी एक आजकल एक और भी एक चल रहा है, चलन चल रहा है क्रिप्टो करेंसी। जी हाँ, क्रिप्टो करेंसी आपने देखा होगा भाई, हालांकि
ये चल रहा है, लीगल तरीके से लोग चला भी रहे हैं, इंडिया में इसको इलीगल कर दिया गया है, लेकिन बिना लाइसेंस अगर आप क्रिप्टो करेंसी चलाते हैं, वी में उसका व्यापार करते हैं, लेन देन करते हैं और शिकायत होने पे पकड़े जाते हैं, तो 20,000 से लेके 50,000 दुबई दराम तक आपके ऊपर जुर्माना किया जा सकता है, प्लस जेल भी हो सकती है। इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए कि फर्जीवाड़े में पढ़ने की कोई जरूरत आपको नहीं होनी चाहिए। जी हाँ, आगे अगर बात करें कि ऑनलाइन वीक मांगना, जी अब ऑनलाइन वीक कैसे मांगी जाती है, इंडिया में देखा होगा आपने सोशल मीडिया के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक, जितने भी है सोशल मीडिया है, या डायरेक्ट आप जाके पर्ची लगवा लेते हैं, लोग चंदे के नाम से भीख मांगते हैं, भीख वो चंदा मांगते हैं, लेकिन उसको ऑनलाइन भीख बताया गया है, समझ गए, भीख मांगना ही होता है भाई, इतने पैसे दे दो, ये दे दो, वो दे दो, अपने सीनियर अधिकारियों से वी में पैसे मांग रहे हैं, अपने जूनियर्स लोगों से मांग रहे हैं, या अपने साथ वालों से मांग रहे हैं, ग्रुप बना लिया, या फिर सोशल मीडिया के माध्यम से आप अपने, मैं बीमार हो गया, मुझे पैसों की जरूरत है, मैं गरीब हूँ, इस तरह से अगर आप भीख मांगते हैं तो इसको कानूनी रूप से इलीगल बताया गया है, इसके ऊपर भी सजा का प्रावधान है। जी हाँ, 3 महीने की सजा प्लस 10,000 दुबई दिरहम आपको जुर्माना भर सकता है अगर आप इस तरह से चंदा मांगते हुए पकड़े गए। अब चंदे में भीख में वैसे देखा जाए तो रात और दिन का फर्क है, भीख मांगना अलग होता है, चंदा एक ट्रस्टेबल होता है, लेकिन वो एक अथोराइज लाइसेंस्ड होता होना चाहिए। जी अगर आप ऐसी कोई संस्था चला रहे हैं जो वेरिफिकेशन उसका हुआ है, मान लीजिए उनके पास लाइसेंस है, फिर वो चंदा मांग रहे हैं तो वो लीगल तरीका है, क्योंकि वो डोनेशन मांगते हैं, उसको डोनेशन एक अलग रूप दे दिया जाता है, और आप पर्सनली आपके कोई प्रॉब्लम है ऐसे दो लोगों से पैसे मांग रहे हैं तो उसको भीख, हालांकि आपको पता है वही सरकार में भाई भीख मांगना इलीगल है, गलत है, वहाँ पर आप भीख नहीं मांग सकते, लेकिन कई जगह मैंने देखा है लोग बैठे रहते हैं जो आउट एरिया में होते हैं, वहाँ तक पुलिस नहीं पहुँचती, तो वो चलता है, बाकी वो गलत है, सही तरीका नहीं है, तो इन चीज़ों से आपको सावधानी बरतना की जरूरत है। 5 नंबर पॉइंट पे देखा जाए तो साथियों, आजकल एक ट्रेंड चला हुआ है झूठी कंपनियां बनाना। जी हां, आपने देखा होगा यार, वीआई में एक अच्छा ट्रेंड है, इस पे अलग से बात करेंगे, अच्छा ट्रेंड है कि लोग कंपनियां बना के बैठ जाते हैं। कंपनी मतलब एक लाइसेंस लेना होता है, 7-8-10 हज़ार दराम में मिल जाता है, लाइसेंस लेना कोई बड़ी बात नहीं होती है, और जो जिनको पैसा कमाना होता है ना भाई, वो उनको फिर 20-30 हज़ार दराम इन्वेस्ट करना पड़ता है, 5-6 लाख रुपए कोई बड़ी बात नहीं होती है, वो कर देते हैं। झूठी कंपनी बना के आप लोगों को निवेश करवाना, इन्वेस्ट करवाना, इन्वेस्टमेंट जिसको बोल सकते हैं, वो कंपनी सिर्फ आपको इन्वेस्टमेंट करवाती हैं, बड़ी आपको फायदा दिखाने की कोशिश की जाती है कि आप इतना इन्वेस्ट करोगे, इतने कम समय में आप इतना कमा सकते हो, यानी उनका टारगेट सिर्फ फर्जी कंपनी बना के आप लोगों से पैसा इकट्ठा करना, फिर फुर हो जाना। अब यही कंट्री अच्छी है, नो डाउट, कानून बहुत अच्छा है, मान लीजिए मैं दुबई में पहुंच गया और वहाँ पे जाके मेरा टारगेट है कि मुझे यहाँ से 1 लाख करोड़ या 1 लाख दराम या फिर 10 लाख दराम यहाँ से लोगों से ठगने हैं, मेरा टारगेट फिक्स है कि मैं गया, मैंने सिस्टम बनाया, मैंने कंपनी रजिस्ट्रेशन करवाया, सब कुछ किया, ऑफिस किया, आप लोगों को सोशल मीडिया के माध्यम से इकट्ठा किया, आप लोगों के पास मेरी न्यूज़ पहुँचाई, उसमें से 1,500 लोगों ने वो देखा, फिर वहाँ पे ऑफिस में आपने विजिट किया, तो आपको तो लगा क्या यार इनके पास लाइसेंस है, सब कुछ सही है, तो आपसे फिर वो इन्वेस्ट करवाते हैं, और पता लगे कि 1 लाख करोड़ या 1 लाख दराम कितने भी जितना उनकी औकात होती है, वो पैसे जमा हो गए, फिर रातों रात सिस्टम को क्लोज किया, जो पैसा है उसको इंडियन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, और बंदा इंडिया भाग गया है, अलग देशों के तो वो वहां पे भाग गए, क्या उखाड़ लोगे जी, समझ गए बात को। तो ऐसी चीज़ों की भी आपको सावधानी रखनी जरूरी है कि जो कंपनी को 6 महीने साल 2 साल से चल रही है और उसमें आप इन्वेस्ट कर दोगे तो पैसा तो खराब होगा आपका। इससे रिलेटेड भी वही सरकार ने भाई कानून बनाया है कि फेक कंपनी, फर्जी कंपनी बना के लोगों को फुद्दू बना के अगर ऐसा इन्वेस्टमेंट यहाँ पे करवाते हुए शिकायत की जाती है तो 5 साल की सज़ा है प्लस 2.5 लाख दुबई दराम से लेके 10 लाख दुबई दराम तक उसके ऊपर जुर्माना लगाया जा सकता है। शर्त ये कि बंदा पकड़ में आ जाए, बस पकड़ में आने के बाद नहीं निकलेगा, ये है फाइनल, वी सरकार का कानून ऐसा बना हुआ है, आप सबको पता है। आगे अगर बात करें तो भाई देखिए, आजकल एक सोशल मीडिया अच्छा प्लेटफॉर्म है, बैठे बैठे किसी के ऊपर भी एलिगेशन लगा दो, इंडिया में तो लोकतंत्र है भाई, यहाँ तो लोग मोदी को भी गाली देते हैं, अपने जितने जिनसे अपने विचार नहीं मिलते उन सबको गाली देते हैं, एक दूसरे को लोग देते रहते हैं, आपने देखा होगा, लेकिन वी में देख के देख लो, पता लग जाएगा आपको, तुरंत अरेस्ट हो जाते हो। तो वी सरकार ने ये भी बोला है भाई, हर देश, अगर आप किसी देश के बारे में बोलते हैं बिना मतलब में, अगर आप किसी के खिलाफ में उसको देश को आप बदनाम करते हैं, वी में बैठ के एक दूसरे देशों को गाली देना, बदनाम करता करना, ये करना वो करना, ऐसी चीज़ें गलत है। जी हाँ, इसके ऊपर भी फैसला तुरंत कार्रवाई करने का ऑप्शन सरकार ने दिया है, 6 महीने की सज़ा है, 1 लाख से लेके 5 लाख तक का दुबई दराम का जुर्माना लगेगा। जी हाँ, ये जो सोशल मीडिया से रिलेटेड मैंने बताया ना, इस पर तुरंत कार्रवाई होगी भाई,
यानी 2 से 3 दिन में अगर आपको लगता है तो उसकी शिकायत करें, 7 दिन के अंदर पुलिस इसकी वेरिफिकेशन जांच कर लेगी और तुरंत स्पोर्ट्स से कोर्ट में मैटर चला जाएगा और तुरंत इसकी सजा हो जाएगी। जी हाँ, ये प्रावधान इसमें बताया गया है। हालांकि सरकार ने पूरा ये भी बताया कि भाई पुलिस जाँच करेगी, काम में ली गई जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, सामग्री है या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, डिवाइसेस है, उनको जब्त करेगा कोर्ट। एविडेंस तो उनमें मिलेंगे, एविडेंस मिलेंगे तो कोर्ट जब्ती का आदेश देगा, नो डाउट। जी हाँ, अगर कोई बाहर की वेबसाइट है जो वी सरकार के लिए या वी के लिए गलत है, वहाँ पे नेगेटिविटी फैल रही है या वहाँ पे 2 नंबर का काम किया जा रहा है, उन सब वेबसाइटों को भी ब्लॉक किया जाएगा। ये सोशल साइबर से रिलेटेड कुछ अपडेट थे, मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए, तो इन चीज़ों से आपको बचना चाहिए, साथी को भी बचाना चाहिए। बाकी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी जानकारी के साथ। जय हिंद।